बहुत सारी सूचनाएं पब्लिक डोमेन में इस तरीके से अवेलेबल करवा दी गई हैं, जिससे केस को सुलझाने में काफी ज्यादा मदद मिलती चली जाती है। द फैमिली मैन सीजन 2, जिसका बेसब्री से हम सबको इंतजार था, वो 4 तारीख को अल रात 12 बजे रिलीज हो गया। जैसा कि इसके ट्रेलर के आने के बाद से ही फैंस के बीच में उत्सुकता बनी हुई थी कि किस तरीके की वेब सीरीज होगी, 9 एपिसोड्स की ये कहानी एक बहुत ही ज़्यादा रोमांच हमारे सामने प्रस्तुत करती है। स्पाई, एक्शन, थ्रिलर और डार्क कॉमेडी अपने अंदर समेटे हुए ये सारे के सारे एपिसोड्स इसको एक बेहतरीन वेब सीरीज बनाने में सफलता प्राप्त करते हैं। अमूमन पार्ट 2 के साथ या सीजन 2 के साथ हमेशा ये समस्या रहती है कि उसका सीजन वीक हमेशा उससे बेहतर माना जाता है, बट फैमिली मैन सीजन 2 के साथ ये समस्या आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। डेफिनेटली ये अपने पहले सीजन से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है और उससे कई हद तक अलग भी है। कहानी लगभग वहीं से शुरू होती है जहाँ पर ख़त्म की गई थी कि वो गैस प्लांट है जिसके अंदर गैस लीकेज को प्रिवेंट कर लिया गया, तब भी कोलेट्रल डैमेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया और उसके बाद से हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनका मनोबल जो है वो गिर जाता है। ISI की साजिशें लगातार अभी भी चल रही हैं, देश के बाहर से वो अलग अलग तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। मेजर समीर अपनी अलग गतिविधियों में लगे हुए हैं। यहाँ पर मिलिंद और जोया को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और हमारा जो लीड एक्टर है या जो हमारा लीड कैरेक्टर है श्रीकांत तिवारी, उसने भी अपना जो थोड़े दिनों के लिए मॉडस अप्रेंडी अपना काम बदल लिया है। अब वो एक कॉरपोरेट की सिंपल और सादी जिंदगी जीना चाहता है, बच्चों और फैमिली के साथ टाइम देना चाहता है। बट वही है ना कि कुत्ते की पूंछ है कभी सीधी नहीं हो सकती है। इस बार खतरे के सेंटर में है दक्षिण भारत का एक राज्य तमिलनाडु, और जो वजह है वो है श्रीलंकन रेबल्स जो डिमांड कर रहे थे अपनी होमलैंड की, बट उनका आंदोलन बहुत बुरी तरीके से कुचला जा चुका है। तो इस बार जो टारगेट पर रहेंगे वो भारतीय प्रधानमंत्री रहेंगी, और इस बार जो सबसे बड़ा खतरा है वो है इंडिया की जो अस्मिता है उसको बचाना दांव पे लग गया है। बहुत बड़ा इस वेब सीरीज में आपको कुछ होता हुआ दिखाई देगा। बात करें अगर टेक्निकलिटी की तो निर्देशक है राज एन डी के और उनका साथ दिया है सुपर्ण एस वर्मा ने। राज एन डी के ही इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा जो कहानी लिखी है राज एन डी के साथ वो लिखी है सुमन कुमार ने। सिनेमेटोग्राफी आपको दिखाई देगी कैमरॉन एरिक ब्रायसन की। इसके अलावा एडिटर है सुमित कोटियान। वेब सीरीज में आपको मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे मनोज वाजपेयी जो कि श्रीकांत तिवारी का रोल निभा रहे हैं, समंथा अकिनेनी जो कि राजलक्ष्मी यानी कि राजी का किरदार निभा रही है, शारिब हाशमी जो कि जेके तलपड़े के किरदार में आपको नजर आएंगे, प्रियमणि भी आपको सुची के किरदार में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो बाकी किरदार हैं वो इस तरीके से हैं वेदांत सिन्हा, अश्लेषा ठाकुर, पवन चोपड़ा, शरद केलकर, विजय विक्रम सिंह, दिलीप ताहिल, बहुत लंबी स्टार कास्ट है। इसके अलावा मिमी गोपी इंपॉर्टेंट किरदार में है, इसके अलावा और उदय महेश, ये सारे आपको सीमा विश्वास जो कि प्रधानमंत्री के रोल में है, देवदर्शनी और रविंद्र, ये सारे इंपॉर्टेंट किरदार आपको रहेंगे। इसके अलावा जोया यानी कि जो श्रेया धनवंतरी है उनका एक कैमियो है, और सनी हिंदुजा भी एक इंपॉर्टेंट किरदार, वो मिलिंद वाला किरदार उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस बार जो एपिसोड्स हैं वो जो उनके टाइटल हैं उससे काफ़ी हद तक आपको कहानी का नाम पता चल, कहानी की जो थीम है वो पता चल जाती है जिस तरीके के एपिसोड्स के नाम इस बार की सीरीज़ में रखे गए हैं। मसलन जो पहला एपिसोड है एक्साइल, उसके बाद दूसरा एपिसोड है वेपन, एंजल ऑफ डेथ, यहाँ पे समंथा का बहुत बेहतरीन काम निकल के आता है जिस तरीके से वो अपने आप को एंजल ऑफ डेथ में दिखाती हैं। इसके अलावा ईगल है, होम कमिंग, मार्टियर्स, जिस इसी वाले एपिसोड में मार्टियर वाले एपिसोड में सनी हिंदुजा की डेथ हो जाती है यानी कि संधु इंजुआ को मार दिया जाता है। इसके बाद आता है कोलेट्रल डैमेज और उसके बाद वेंडेटा और द फाइनल एक्ट। श्रीकांत तिवारी ने बहुत बेहतरीन काम किया। श्रीकांत तिवारी का जो किरदार है वो एक्सेल करता है, और मतलब मनोज वाजपेयी अपने किरदार में भयंकर तरीके से जमते हुए नजर आते हैं। शरीफ हाशमी ने बहुत अच्छा काम किया। राजन डीके ने बहुत अच्छी तरीके से इसको निर्देशित किया सुपर्ण एस वर्मा के साथ। कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि एक तो प्लॉट बड़ा हो गया, सिनेमेटोग्राफर बहुत मतलब बाहर से आए हैं, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा किया है। इसके अलावा स्क्रीन प्ले भी ज़बरदस्त लिखा गया है, बट थोड़ी सी कमी रह गई इस कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू पर, ये कि बहुत सरल कहानी बनाई गई, मतलब कि जो हमारे विलेंस हैं जो गलत काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया गया। मतलब जहाँ पे भी कहानी फंसी है वहाँ पे चेल्लम नाम के किरदार के द्वारा हमारे श्रीकांत तिवारी की मदद करा दी जाती है, या फिर ऐसे ही रेक्की पर निकले। बहुत सारी सूचनाएं पब्लिक डोमेन में इस तरीके से अवेलेबल करवा दी गई हैं जिससे केस को सुलझाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती चली जाती है। श्रीकांत तिवारी डेफिनेटली बहुत उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, और उस दिमाग को चलाते हुए उन्होंने सीरीज़ को बहुत आगे भी पहुंचा दिया है। बट जो पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पे जो चुरा ले गई है, जो सबसे बड़ी हाईलाइट है सीरीज़ की, वो है समंथा।
मतलब उन्होंने क्या जबरदस्त काम किया है, मैं हो गया उनका बहुत बड़ा फैन। एक ये वाला पता नहीं वो ऐसे कुछ करती हैं इस तरीके से, मतलब आई एम इन लव विद हर। मतलब इतना बेहतरीन काम किया है समंथा ने, बहुत कम बोलना, और उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस होगी अगर इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, फिल्मों को अवार्ड दिए जाते हैं, मेरा मानना है ऐसे वेब सीरीज को अवार्ड मिले और उसके लिए बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड इस साल का हमें समंथा को दे देना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने बेहतरीन काम किया, मनोज वहाँ पर अच्छा काम किया, प्रियमणि ने और ज़्यादा डेप्थ दिखाई अपने किरदार में कि माँ का किरदार निभाते हुए उन्होंने बहुत सही काम किया। इसके अलावा शरीफ हाशमी ने भी अच्छा किरदार किया, जो लेडी सब इंस्पेक्टर का किरदार है वो वाला किरदार भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा मूवमेंट जिस तरीके से ऑपरेट होता है और जिस तरीके से इस जो इंसर्जेंसी है उसको रोका जाता है, वो सारा काम बहुत अच्छी तरीके से सीरीज में दिखाया गया है। बहुत सारी हाईलाइट्स है, एक्शन पहले से डेफिनेटली बढ़ गया है यहाँ पे, बहुत सारा जो क्रू है वो तमिल स्पीकिंग लैंग्वेज में, तमिल के लिए अलग से डायलॉग राइटर को एक रखा गया था कि किस तरीके से काम कराया गया। श्रीलंकन पूरा जो तमिल लिट्टे वाला मूवमेंट है उसको पूरे के पूरे प्लॉट को अच्छी तरीके से बुना गया, मतलब पूरी की पूरी कहानी यानी कि पाकिस्तान और टेररिस्ट से ज़्यादा जो उलझा के रख सकते थे उसको रेबल्स पे ला के खड़ा कर दिया, और जहाँ पे सीरीज खत्म होती है वहाँ पे प्रॉमिस करती है कि इस बार जो प्रॉब्लम है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी। अब जब भी इसका पार्ट आएगा सीजन 3 तो वहाँ पे समस्या जो होगी नॉर्थ ईस्ट की, बट आई डू विश कि कुछ ऐसा होता कि वो प्लेन क्रैश ना होता और समंथा की नहीं बच जाती और यहीं से फिर वो सीरीज जो है आगे स्टार्ट होती। उनका जाना बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब इस सीरीज़ के लिए बहुत कम ऐसी सीरीज़ होती है जहाँ पर आपको थोड़ा सा सिंपथी हो जाती है जो आपका नेगेटिव किरदार होता है उससे। तो ये था द फैमिली मैन सीज़न 2, जो बहुत सारी अच्छी चीज़ों, एक विटी कॉमेडी, बहुत सारे एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस के साथ हमारे सामने आया। एक ऐसा जासूस जो अपनी फैमिली को रन करता है, अपनी बच्चों और बीवी और अपने काम के बीच में इस तरीके से फंसा हुआ है और उसके बाद भी वो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, वो अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, थोड़ा सा एक्सेल करता है अपने करियर में, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता हुआ हमारा ये फैमिली मैन इस सीज़न में आपका दिल जीतने में ज़रूर कामयाब होगा। मनोज वाजपेयी के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है कि जिस तरीके का काम लगातार करते जा रहे हैं, OTT का आना एक बहुत ही अच्छी बात साबित होगा, मतलब अपने कंट्री के लिए भी, बाकी उस सारे कंटेंट के लिए जो हमारे आसपास बन रहा है। और बजट की बात करें तो इस बार खुल के खर्चा किया गया है फैमिली मैन 2 में। सनी हिंदुजा वाला जो किरदार है उस पर एक और बात डाल देते हैं, मिलिंद का जो किरदार है उसका जाना बहुत ज़्यादा सही नहीं लगा। उनकी हालिया जो वेब सीरीज़ आई थी UPSC एस्पिरेंट्स वाले, उसमें जो उनका किरदार था वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है, और यहाँ पे भी सनी हिंदुजा जो है वो अपना ध्यान, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल हो पाते हैं। राज DK को इसके लिए बहुत ज़्यादा बधाई कि वो इस तरीके का कंटेंट लेके आए और ये भी प्रॉमिस करके चले गए कि इसका सीजन 3 आएगा ही आएगा, तो अब कोई अटकलें यहाँ पे नहीं लगेंगी इसका सीजन 3 कब आएगा। और इस बार जो समस्या हो गई वो माउस हो सकते हैं, नेक्स्ट लिस्ट हो सकते हैं, बोडो हो सकते हैं या फिर कुछ और हो सकते हैं, एक हापलांग वाला ग्रुप हो सकता है, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। इस बार जो कहानी है वो नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट हो जाएगी। पिछले साल विलेन को इतना टक्कर का नहीं था, इस साल जो है जिस हिसाब से दिखाया गया है समंथा को, बहुत ज़्यादा समंथा को इसमें हाईलाइट किया गया, राजीव वाले किरदार को, हो सकता है ऐसा ही कोई नया किरदार सामने हमारे सीजन 3 में। साजिद के किरदार के ऊपर चर्चा करना रह गया, साजिद का किरदार था सीजन 1 में वो इंपॉर्टेंट किरदार था, बट मुझे ऐसा लगता है साजिद का किरदार जो है वो इस वाले सीजन में ज़्यादा ग्रो किया है। फैमिली मैन की फैमिली की प्रॉब्लम फिलहाल तो हो गई है समाप्त, उम्मीद करते हैं आगे फैमिली की प्रॉब्लम इसी तरीके से चलती रहे, मतलब सतह पर चलती रहे, ऊपर निकल के ना आए। ये थी हमारी कहानी आपके लिए द फैमिली मैन सीजन 2। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी। हमारी अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें, गुड बाय।